अस्सलाम वालेकुम, ये हम आपको हम आपके पास लेकर जाने हमद आ जाओ ना यार, लोग लाइव वीडियो अभी तक नहीं किए, आप भैया आ जाओ भाई। अच्छा तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बहुत अच्छा रहा। दुबई मैंने विजिट किया, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम था पैड में, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, तो उसने आसम में बिजी था उस प्रोग्राम्स में, उसकी सेटिंग्स में, और मैं अभी जो है फारिग हो गया हूँ, और इंशाल्लाह आज जो है दुबई को सही तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ तो ये है बुर्ज व्यू के साइड पे, तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी व्यू आती है डाउन टाउन दुबई की। गर्मी है बहुत ज़्यादा, चूँकि दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर बंदा नहीं निकल सकता, लेकिन जो इंडोर का जो सिस्टम बनाया गया है दुबई में वो बहुत अच्छा है, और एसी जो है हर जगह पर मौजूद है, हर गाड़ी में मौजूद है, बहुत सब गर्मी है यहाँ पर दुबई में। ये है डाउन टाउन का व्यू हमारे होटल से, साथ में हमारे दुबई मॉल है, इमार के कुछ बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, पीछे बुर्ज खलीफा द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, और उसके साइड पे ये लेक है जो कि लीड करता है दुबई का जो समंदर है उसकी तरफ, बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा तो आज आप फ्री हुए हो? जी। तो कहाँ जाना पड़ेगा आज? इंशाल्लाह आज एक्सप्लोर करेंगे, मीटअप भी करेंगे ना लोगों से, इंशाल्लाह देखेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना ये, इस दफ़ा पता नहीं क्या है, चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा, अभी हम ये गर्मी का मौसम भी है ना, 63 डिग्री वो उधर पड़ी है सऊदी अरब में, पता नहीं कुवैत में कौन सा मुल्क बता रहे थे, उधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी जून का मौसम है इसलिए गर्मी है। अच्छा दिसंबर जनवरी होता तो फिर बहुत अच्छा होता। तो वो जो हमारे लेबर कम्युनिटी है उनसे आपकी मुलाकात कल? इंशाल्लाह हाँ, उनसे भी मुलाकात करेंगे यहाँ पर। अच्छा कब? जो लेबर कम्युनिटी है उनको हम पहले इन्फॉर्म करेंगे, गैदर करेंगे, फिर यहाँ पर उन्होंने अपनी एक छोटी सी कॉलोनी बनाई हुई है डाउन टाउन शहर के बाहर, तो इसलिए उनसे भी मिलने जाएंगे इंशाल्लाह। और सेशन कैसा रहा आपका? सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। उस सेशन की वजह से हमारी वो नहीं हुई थी ना, अब बाहर एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आज कुछ वीन्यूज़ है दुबई के इंशाल्लाह, तो आप जाएंगे। और यहाँ के बच्चों से मिलकर आपको कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, उनको उर्दू तो नहीं आती, इवन वो पाकिस्तानी भी है, तो माहौल ऐसा है ना यहाँ पर, उर्दू बोलना चाहिए उनको? नहीं बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन क्योंकि मसला ये भी है ना कि फॉरेन कंट्री है, यहाँ पर आप उर्दू बोलोगे तो कोई आपको सही से समझेगा नहीं, तो इंग्लिश भी सीखें वेरी गुड, और इंग्लिश में भी बोलें लेकिन अपनी ज़बान को कम से कम ना बोलें, क्योंकि उनकी पैदाइश यहाँ पे है ना, तो उर्दू जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आपने कल जब आप बात कर रहे थे ना इंग्लिश में तो वो तो समझ रहे थे, लेकिन जब आप उर्दू में चले गए तो फिर वो उन्होंने कहा भी कि उनको समझ नहीं आई होगी। अच्छा वो लोग जो कि यहाँ पर लेबर है और पाकिस्तान से आए हुए हैं, अब हम चाहेंगे कि आप वहाँ पर भी जाए, तो आपका प्लान है वहाँ पर जाने का? इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया, तो ये तो पूछना पड़ेगा ना कि वो कहाँ, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर आपकी पाकिस्तान की कम्यूनिटी और हमारे भाई, इंशाल्लाह हम पता कर लेंगे। और कुछ बोलना है तो बताए, दुबई मॉल में ऐसा क्या देखा जो आपको डिफरेंट लगा? दुबई मॉल में आप गए थे ना वहाँ पे, तो यहाँ पर महंगाई है कि क्या है, आप क्या समझते हैं? नहीं महंगाई तो नहीं है, अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है, और दुबई मॉल यहाँ बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत बड़ा है और प्यारा बना है। यहाँ पर क्या डिफरेंट देखा आपने? यहाँ पर पाकिस्तान में हो
देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर 160 मुल्कों से के ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं, एक साथ हैं। अच्छा, तो मैंने ये चीज़ सीखी, मैं ख़ुद भी हैरान हुआ और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि ये 160 से ज़्यादा नेशंस यहाँ पर जो है एक साथ यूनाइटेड कैसे रह रही है। तो मैं इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी कौम है अगर उनके अंदर भी इसी तरह बर्दाश्त आ जाए, टॉलरेंस आ जाए, चूँकि दुबई में इस साल ईयर ऑफ टॉलरेंस भी बनाया जा रहा है और वो इसी तरह मुतहद रहें आपस में, तो बाहर मुल्क से जो भी लोग आते हैं, फॉरनर्स जो आते हैं, विजिटर्स जो आते हैं, उनको वो मोहब्बत शो करें, उनको जो है अपना जैसा ही समझें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। और कल का जो आपका सेशन था वो किस टॉपिक के ऊपर था? बेसिकली हम उन्होंने हमें बताया कि टारगेट ज़्यादातर एजुकेशन पे करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया इस साल ईयर ऑफ टॉलरेंस बनाया जा रहा है दुबई में, और आर्टिस्ट वहाँ पे आए हुए थे मुख्तलिफ ग्रुप के, तो वो आर्टिस्ट के हवाले से। किस किस्म के आर्टिस्ट थे वो? आर्टिस्ट पेंटर्स, पेंट मतलब वो जो पिक्चर्स बनाए, कैलीग्राफी। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो आप सऊदीया गए थे, सऊदीया और यहाँ के एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है? ये बिल्कुल सेम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। फर्क का लॉ सेम है, यहाँ का भी लॉ सेम है, वहाँ के रूल्स भी सेम है, यहाँ के रूल्स भी सेम है, जो मैंने देखा है। अच्छा, और मौसम के हवाले से? मौसम के हवाले से सऊदी जब मैं गया था तो वहाँ पे 3 दिन बारिश हुई थी मदीना में। अच्छा, 3 दिन मुसलसल बारिश, यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी? यहाँ पर कल बारिश। अच्छा, और फूड के हवाले से आप क्या कहेंगे? फूड भी ठीक है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छा है। कौन कौन से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया? कल गए थे बंदू खान, देश परदेश, ये दो रेस्टोरेंट्स थे अभी तक हम गए। अभी तक आपने? बाकी दुबई मॉल में KFC के लिए आते थे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी आप क्या कर रहे हैं, तैयार हैं आप? मैं पैकिंग कर रहा हूँ। अच्छा, चले ठीक है, ओके, हो जाए।